सागर जिले के रहली में कृषि स्कूल के सभागार में शासन के विभिन्न योजनाओं का हितलाभ का वितरण लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की जमकर तारीफ की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि हर गरीब के पक्के घर का सपना साकार हो, इसके लिए प्रदेश और केंद्र सरकार की सम्मिलित भागीदारी से पीएम आवास योजना चलाई जा रही है। रहली के हर गरीब का सपना साकार होगा। जिस व्यक्ति को आवास नहीं मिला है, जल्द ही उनको भी लाभ दिया जाएगा। आवासीय किया जिनके घरों पर कभी लोग शायद थे, खबरें शायद थे, पत्ते शायद थे, तिरपालें शायद थी, मिट्टी की दीवारें थी, जमीन में मिट्टी की थी। बारिश के समय जब लगातार पानी गिरता था तो सब लोग में जो नीचे के मोहल्ले थे उनकी व्यथा जो है वो देखने लग दर्द होता था। आज मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की कि जिसमें एक भी व्यक्ति ऐसा बाकी नहीं रहे और हमारे यहाँ को लगभग अधिकांश लोगों के काम हो ही गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये योजना जो है ये वास्तव में ऐसा लगता है किसी आदमी की बनाई योजना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की योजना नहीं, गोपाल भार्गव, शिवराज सिंह या नरेंद्र मोदी जी की योजना, ये देवलोक से हमें जो बुद्धि दी गई, जो जनता का आशीर्वाद मिला उसकी सरकारें बहुत आई बहुत चली गई। प्रधानमंत्री 14 आए 14 चले गए, लेकिन किसी की विवेक में, किसी के ज्ञान में, किसी की समझ में, बुद्धि में ऐसी योजना नहीं आई। गांव से निकलते गए, बस्तियों से निकलते गए, झुग्गी बस्तियों में जाते गए, वोटें मांगते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन किसी ने ये नहीं काम सोचा कि झुग्गी बस्ती जो है पक्की। हितलाभ वितरण कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष देवराज सोनी, पूर्व जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष राजेंद्र जारोलिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रहली से रोहित अहिरवार की रिपोर्ट।